नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। जो इनलेट पाइप है वो टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को, यानी आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और वाई, यानी ये वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आई क्या है, इनलेट पाइप जो 140 घंटे में भर देते हैं, और आउटलेट पाइप क्या करते हैं 63 घंटे में उसको पाइप टंकी को खाली कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टंकी की कैपेसिटी निकाल लेता हूँ यहां से। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आई, 140 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुना 20, और 63 को लिख सकता हूँ 7 गुना 9। ठीक है, ये कॉमन आ गया, तो कैपेसिटी कितनी आएगी, 7 गुना 20 गुना 9, ये क्या है टंकी की कैपेसिटी। ठीक है, और यहां से अगर मैं इनलेट पाइप की एफिशिएंसी निकाल लूं तो 7 गुना 20 140, तो 9 कैपेसिटी आ गई। ठीक है, भरने की, और आउटलेट की खाली करने की कितनी आएगी, 7 में 63, यानी 20 आ गई, वो भी माइनस में, क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि 8 तो इनलेट पाइप है और वाई आउटलेट पाइप है, वाई आउटलेट पाइप और 8 इनलेट पाइप मिलके एक साथ खोले गए और वो 105 घंटे में पानी भर पूरी तरह से टंकी को भर देते हैं। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 7 गुना 20 गुना 9। ठीक है, डिनोमिनेटर में पानी भरने वाले पाइप कितने हैं, 8, और एक पाइप कितना यूनिट पानी भरता है एक टाइम में, 9, तो 8 में 72, तो 72 पानी तो क्या है एक यूनिट टाइम में टंकी में ऐड हो रहा है। लेकिन कुछ पाइप ऐसे भी हैं जो पानी निकाल रहे हैं, तो एक पाइप कितना यूनिट पानी निकालता है, 20 यूनिट। टोटल पाइप कितने हैं, वाई, वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ वाटर ऐड करेंगे, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे, टोटल कितना यूनिट टाइम में कितना पानी ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो कितने घंटे में टंकी भर जा रही है, 105 घंटे में। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, फिर यहां से 5 चौके 20, 7 पे काट दीजिए, 7 तीय 21, 3 पे काट दीजिए, 3 तीय 9। ठीक है, तो 12, और ये नीचे वाली टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी, किसके को आ जाएगी, 72 माइनस 20 वाई। ठीक है, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 12 60, और 60/20 यानी 3 आ जाएगी। यानी हमसे पूछा था जो वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है।